नमस्कार, मैं नितिन सेन भारती। आज हम बात करेंगे सहारा इंडिया को लेकर। सहारा इंडिया को लेकर पिछले दिनों यानी कि कल ही कहले एक बड़ा अपडेट सामने आया, जिसमें कि एक पोर्टल की शुरुआत की गई सहारा में, जिनके पैसे, जिन निवेशकों के पैसे फंसे हैं, उन पैसों को कैसे जो है रिफंड किया जा सके, इसको लेकर जो भारत सरकार की सहकारिता मंत्रालय ने जो है एक पहल की। इसके मंत्री जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, और उन्होंने जो है पूरी पहल की, और एक तरह से कहले कि केंद्र सरकार की पहल के बाद से जो है ये पूरा प्रक्रिया जो है वो सहारा के रिफंड का शुरू हुआ। उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, वहां से आदेश आया, और उसके बाद 5,000 करोड़ रुपए की राशि जो है शुरुआती समय में निर्गत की गई, ताकि निवेशकों को पैसे लौटाया जा सके। इस पूरे प्रक्रिया में जो है अब जो एक बड़ा अपडेट सामने आया है, हम आप जो है कैसे उस पैसे को रिफंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ले सकते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया जो है वो सामने आ गई है। तो हम यकीन कर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या प्रक्रिया है और कैसे जो है हम पैसे को रिफंड कर सकते हैं। सबसे पहले ये वेबसाइट आप नोट कर लें, इस वेबसाइट से ही पूरा खेल शुरू होने वाला है। ये वेबसाइट जो है morcrefund.crcs.gov.in पे जो है, यहाँ पे ये पूरा, जैसे ही आप इसको गूगल में सर्च करेंगे ये पूरा वेबसाइट सामने आ जाएगा। उसके बाद जो है एक एक करके परत दर परत इसकी सीढ़ियां जो है खुलनी शुरू हो जाएगी, और ये जो है पहला पृष्ठ जहाँ से ये पूरा खेल शुरू होगा, ये पूरी वेबसाइट जो है वो आगे बढ़ेगी। और वेबसाइट का जो, जिस तरह से हमने नाम देख रखे हैं, केंद्रीय पंजीकृत सहारा रिफंड पोर्टल, इस पोर्टल पे जो है आने के बाद आपका जो है वो रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और अब हम समझने की प्रक्रिया में होंगे कि हमारा पैसा जो है कहां और किस तरह से निकल सकता है। तो सबसे पहले समझें कि कहां कहां किन किन लोगों का पैसा जो है वो फंसा है, रुका है, सहारा ने कहां कहां पैसे को लगा रखा है। तो सबसे पहली जो कंपनी है, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, ये पहली कंपनी है। दूसरी कंपनी जो है सहारा यूनिवर्सल मल्टी पर्पल सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, ये दूसरी कंपनी है। तीसरी कंपनी है कुमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, और चौथी जो कंपनी है स्टार मल्टीपल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। इन चारों कंपनियों में जो है पैसे लोगों के फंसे हैं। इन चारों कंपनियों के द्वारा सिमी के पास 24,000 करोड़ रुपए से आईपीओ खरीदने की बात कही गई, और 2009 की ऊपरी प्रक्रिया है, जिसके बाद से जो है सहारा एक ब्लैकलिस्टेड कंपनियों में शामिल हुई, कैसे वो पूरी कहानी है। लेकिन अब हम समझे हैं कि हम उन पैसों को जो है कैसे फंसे हुए उन पैसों को जो है कैसे हम आगे ला सकते हैं। इसमें जो है सहकारिता मंत्रालय ये कहती हुई दिख रही है कि हमने जो है लोगों की मदद करने को लेकर जो है इस पोर्टल की शुरुआत की है, ताकि आगे से लोग जो है इस तरह की गलत चीजों में ना फंस सके। उसके बाद जो है जमाकर्ता पंजीकरण प्रक्रिया की यहाँ से शुरुआत होती है, कैसे जो है हम पैसे को रिफंड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे, वेबसाइट पे आने के बाद जो सबसे पहला जो होगा होम के बगल में जमाकर्ता पंजीकरण लिखा है, तो जैसे ही आप जमाकर्ता प्रक्रिया पे क्लिक करेंगे, उसके बाद स्टेप वन आएगा, उसमें है कि जमाकर्ता पंजीकरण के लिए आपको 12 अंकियों के सदस्यता संख्या और अंतिम 4 अंकीय का आधार नंबर जो है वहां पे दर्ज करना होगा। 10 अंकीय आधार से जुड़े मोबाइल नंबर कैप्चा दर्ज करना होगा, और ओटीपी प्राप्त करने के बाद उसे दबाना होगा। ये पूरी प्रक्रिया जो है आप वहां पे करेंगे, तब जो है आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इस तरह का कुछ इंटरफेस जो है आपको वहां पे दिखेगा जब आप जमाकर्ता पंजीकरण पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने में जो है दो बॉक्स दिखाई देंगे। पहला बॉक्स जो होगा वो आधार का अंतिम 4 अंक यहाँ पे दर्ज करना होगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 अंक की आधार संख्या यहाँ पे दर्ज करें। उसके बाद आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर जो है आपको दूसरे वाले बॉक्स में बताना होगा, वो लिखा हुआ है 10 अंक के आधार से जुड़े मोबाइल नंबर आपको यहाँ दर्ज करने हैं। उसके बाद ओटीपी प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि जो आप मोबाइल नंबर देंगे वो आधार कार्ड से जुड़े होने चाहिए, ऐसे में जैसे ही आप आधार नंबर डालेंगे उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे तो आप ओटीपी प्राप्त करने पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको जो है एक ओटीपी आपके मोबाइल पे आ जाएगा, उसके बाद से ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। अब क्या कह रहा है कि स्टेप 2 में ये कहा जा रहा है कि आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और पंजीकरण प्रक्रिया की पूरी कर लें। यानी कि जैसे ही आप आधार और मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, उसके बाद जैसे ही ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है ओटीपी से ये प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो है आधार नंबर हमने ये देखा, एग्जांपल के तौर पे इसे मान लेते हैं, आधार नंबर ये रहा, इसका मोबाइल नंबर ये था, और उसका जो ओटीपी जो यहाँ पे जो दर्ज किया गया जो मोबाइल नंबर पे आया वो यहाँ पे
दर्ज किया जाएगा और उसके बाद जो है ये एक तरह से कहने की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो पूरी होगी, जो कि साफ तौर पर लिखा जा रहा है कि आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें, यानी कि यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है पहली सीढ़ी जो है आप पार कर रहे हैं। अब जो है यहाँ पे इस पूरे पोर्टल पे आपका जो है जमाकर्ता की लॉगिन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी, यानी कि यहाँ से जो है अब आप वेबसाइट पे अपना डिटेल, बैंक अकाउंट, इस तरह की तमाम प्रक्रियाएं जो है वो सामने आएगी। तो दूसरा, जैसे जमाकर्ता पंजीकरण की प्रक्रिया समाप्त होगी तब शुरू होगी जमाकर्ता लॉगिन की प्रक्रिया। तो अब लॉगिन की प्रक्रिया पर आप जब आप क्लिक करेंगे तब उसके बाद जो है आपके सामने यहाँ शुरू होता है स्टेप थ्री के तहत ये होगा कि आप जो है जमाकर्ता लॉगिन प्रक्रिया पर अंतिम चार अंकीय का आधार नंबर जो कि आपने शुरुआत समय में जब आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे उसमें आपने दिया था, उसके बाद आधार नंबर जो कि चार अंकीय आधार नंबर आपको देना है, उसके बाद 10 अंकीय आधार से जुड़े मोबाइल नंबर आपको देने हैं, कैप्चा दर्ज करना है, ओटीपी प्राप्त करना है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया में हम बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम साफ तौर पर देखेंगे कि शुरू में जिस तरह से हमने चार आधार नंबर के चार अंक दिए थे, उसके बाद उसी से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर जो कि दोनों कनेक्ट होना चाहिए। अब जो है उसके बाद यहाँ पे ओटीपी प्राप्त करने की भी है जो कि हमने पहले ही आपको बताया। इसके बाद जो है यहाँ पे हम ओटीपी को प्राप्त करेंगे जो कि हमने रजिस्ट्रेशन के समय भी देखा, अब लॉगिन करने के समय भी देख रहे हैं कि सेम प्रक्रिया से हमको आगे गुजरना है। इसके बाद जो है स्टेप फाइव में आते हैं। यहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि एक बार जमाकर्ता के लॉगिन करने के बाद जमाकर्ता को आधार सहमति स्क्रीन दिखाई देगा जिसमें कि मैं सहमत हूँ वाला जो है वो बटन होगा। बटन पर क्लिक करने के नियम एवं शर्तों को स्वीकार करना होगा, उसके बाद जो है हम आगे की प्रक्रिया में बढ़ेंगे। तो यहाँ पे साफ तौर पे ये देखा जा सकता है इसमें ये नियम और शर्त है जो कि ये नियम और शर्त लिखा है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक नो और कस्टमर सत्यापन के उद्देश्य से अपने आधार नंबर और व्यक्तिगत जानकारी उपयोग के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूं। यह सहमति प्रदान करने में निम्नलिखित को मैं स्वीकार करता हूं, यानी नीचे जो लिखा गया है उसको मैं स्वीकार करता हूं। इसमें उद्देश्य में है कि मैं समझता हूं कि आधार केवाईसी के उद्देश्य सेवाओं का लाभ उठाने से संबंधित संगठन इकाई के साथ व्यवहारिक संबंध स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से मेरी पहचान को सत्यापित और प्रमाणित करता है। सूचना संग्रह के रूप में लिखा है कि मैं केवाईसी सत्यापन के उद्देश्यों से अपने आधार नंबर और संबंधित व्यक्तिगत जानकारी, नाम, जन्मतिथि, लिंग, फोटो और पता संग्रह को अधिकृत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि इस जानकारी का उपयोग केवल सत्यापन और प्रमाणीकरण उद्देश्य के लिए किया जाएगा। ये जो पूरा नियम और शर्त है यहाँ पे आपको टिक करना, उसके बाद मैं सहमत पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद जो है ये प्रक्रिया आगे की ओर बढ़ जाएगी, यानी कि अब जो है आप अपना व्यक्तिगत डिटेल देने की स्थिति में हो जाएंगे। स्टेप 6 के तहत जो है इसमें जो है अब क्या कह रहा है कि व्यक्तिगत विवरण स्क्रीनिंग पर 12 अंकीय आधार नंबर दर्ज करें और ओटीपी प्राप्त करें, बटन पर क्लिक करें, उसके बाद जमाकर्ता के आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करें। यानी कि अब जो है आपका जो है फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, यानी कि अब जो है आप व्यक्तिगत डिटेल यहां से देना शुरू कर देंगे। सबसे पहले आपको आधार नंबर अपना देना है, आधार नंबर पर जैसे ही आप देंगे उसके बाद जो है आपका जो मोबाइल नंबर होगा उससे जो है ओटीपी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है आप पिछला पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पे आगे बढ़ेंगे तो ओटीपी दर्ज करने का सत्यापित ओटीपी को जो है यहाँ पे आपको फिल करना है। जब ओटीपी सत्यापित हो जाएगा यहाँ पे जैसे ही देखिए दो अलग अलग प्रक्रियाओं में से इसे गुजरना है। एक तो है कि UIDAI की घोषणा यहाँ से करना है जिसमें कि आधार कार्ड से आपका ओटीपी सत्यापित होगा। दूसरा है जो आपका व्यक्तिगत विवरण जो है यहाँ से आपकी शुरुआत होती है। व्यक्तिगत विवरण के रूप में आपको क्या क्या देना है, तो पहला नाम, दूसरा मध्य नाम, तीसरा उपनाम, फिर जन्म की तिथि क्या है, फिर पिता या फिर पति का नाम क्या है, ये सब जो है आपको इस प्रक्रिया में पूरी फॉर्म फिलअप करना है। इसके बाद क्या है स्टेप 9 के तहत जवाब आएंगे तो इसमें क्या है कि इसके अलावा उपयोगकर्ता ईमेल दर्ज कर सकता है, फिर ईमेल सहेजें पर क्लिक करें और अगला बटन जो है वहां पे क्लिक करें। जब इस बॉक्स को फिल करेंगे तो इसमें जो है पिता या फिर पति का नाम, ईमेल वैकल्पिक रूप से रखा गया है तो दीजिए, नहीं है तो भी ठीक है, इसको जो है रखा गया है। इसके बाद यहाँ पे जो है ईमेल सहेजे इस पर आप क्लिक करेंगे, इसके बाद जो है आपकी प्रक्रिया पूरा हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे पिछला और अगला दो अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको अगला वाला ऑप्शन पे जो है क्लिक करना ताकि आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद स्टेप
10 के तहत जो देखिए क्या है कि यदि प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो जमाकर्ता स्क्रीन पर प्रदर्शित विवरणी दर्ज करें, यानी कि आपके स्क्रीन पर जो चीजें दिख रही है उसको जो है आपको अब दर्ज करना है, उसमें डालना है। तो सबसे पहले कहा गया है कि दावा विवरण, यहाँ पे तीन हुआ, UID घोषणा, व्यक्तिगत विवरण, अब तीसरा है दावा विवरण। दावा विवरण के तहत जो सबसे पहला चीज है कि सोसाइटी का नाम क्या है, आप किन सोसाइटियों में आपने अपने पैसा इन्वेस्ट किया था उसको जो है यहाँ पे आपको जिक्र करना है किन किन सोसाइटियों में। फिर जब जिस सोसाइटी में अपना पैसा जमा किया था उसकी जो सदस्यता संख्या है वो क्या है, वो यहाँ पे मेंबरशिप नंबर जो है आपको डालना है। उसके बाद खाता संख्या क्या है, खाता संख्या डालना है। उसके बाद फिर प्रमाण पत्र पासबुक नंबर क्या है वो डालना है। खाता खोलने की तिथि, कब आपकी जो खाता है आपके इन सोसाइटियों में, सहारा में आपने कब खाता खुलवाया था उसका जो है डेट डालना है। उसके बाद जमाकर्ता योगदान राशि क्या है, कितनी पैसा आपने दिया था वो डालना है। यहाँ पे अब आएंगे तो दो बॉक्स है, कोई आंशिक भुगतान प्राप्त हुआ है, कोई भी पैसा जो है आपको मिला है। दूसरा है क्या आपने सोसाइटी से ऋण लिया है। एक तो पहला है कि आपने कोई भुगतान प्राप्त किया, यानी कोई पैसा आपने प्राप्त किया है। दूसरा है कि कोई सोसाइटी से आपने लोन लिया है, तो इन दोनों में से टिक करना कि आपको क्या करना है, तो उसके हिसाब से आपको पास जो ऑप्शन होगा वो करेंगे। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा, ये पूरी फाइल जो है यहाँ पे दी गई है। इसका भी एक डिस्क्लेमर है कि कृपया केवल छवि यानी कि फोटो जो है PNG, JPG, JPEG, JPEG2 फाइल या फिर PDF अपलोड करें। फाइल का आकार 3 MB से कम होना चाहिए, फाइल का आकार 200 KB से भी कम या फिर बराबर होना चाहिए। तो इन सब चीजों का जब आप इन सब डॉक्यूमेंट को जब अपलोड करेंगे तो इन सब का जो है आप विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर आप इसका ध्यान नहीं रखते हैं 3 MB और 200 KB का, तो जब आप फाइल अपलोड करेंगे तो बहुत परेशानी होगी, आपको समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है, जबकि असली मसला इसके साइज का होता है। तो इन सब चीजों का जो है आप उस दौरान ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है दावा जोड़े, क्योंकि दावा विवरणी है तो दावा जब आप जोड़ेंगे तब जो है आपके सामने एक नया विकल्प खुलकर सामने आ जाएगा जिसमें लिखा होगा कि दावा जमा करें, बटन पर क्लिक करें, जो कि जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद ये लिखेगा और जमाकर्ता को नीचे दिए गए ग्रिड में सभी विवरण दिखाई देंगे जहां जमाकर्ता कई दावे विवरण जोड़ सकेंगे। अब जो है आपके सामने ये तमाम चीजें जो कि आपने पिछली बार फिल किया था वो उसका जो है विवरण आपको दिखेगा कि सोसाइटी का नाम क्या है, आपने लिखा सोसाइटी का नाम, उसके बाद सदस्यता संख्या क्या है वो भी, खाता संख्या क्या है वो भी, रसीद संख्या क्या है वो भी, प्रमाण पत्र क्या था वो भी, क्योंकि हमने पहले कहा जमा यानी कि आपने तारीख कब सहारा में अपना कौन सी कंपनी में यानी कि सहारा के कौन से सोसाइटी में आपने कब पैसा जमा किया उसका पूरा विवरण है। उसके बाद प्रमाण पत्र संख्या क्या है, अब एक्शन में क्या है कि आपने क्या किस तरह के इसमें चीजें हैं आपको रखना है, डिलीट करना है, इन सब चीजों के बारे में जो है आपको यहाँ पे पूरा फिल करना है। उसके बाद जो है अगला पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद स्टेप 12 है कि एक बार सभी दावा विवरण दर्ज हो जाने के बाद पहले से भरा हुआ दावा अनुरोध फॉर्म तैयार करें, यानी कि यहाँ आप जो है आसानी से सब चीजों को देख सकते हैं कि हमारा जो है पूरा विवरण क्या है, कैसे है, किस तरह का है, इन तमाम चीजों को आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। कृपया प्रपत्र तैयार करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि सभी दावे दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद आप कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे, अतिरिक्त दावा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आपको यहाँ पे सब कुछ जो है अच्छे से एक बार देख लेना है कि हमको क्या हमने सही किया है, क्या गलत किया है, उन तमाम चीजों की जानकारी आप यहाँ पे अच्छे से खुद से देख लें। इसके बाद स्टेप 3 है, वो कहता है कि नवीनतम फोटो चिपकाएं और फोटो के साथ साथ दावा प्रपत्र पर विविध हस्ताक्षर करें। इसमें एक जो है कि फोटो चिपकाने की बात कही है, साथ ही साथ वहाँ पे हस्ताक्षर करने की भी बात कही गई है, यहाँ फोटो लगाएं और फोटो पर हस्ताक्षर करें। यहाँ पे जो है फोटो लगाने की बात कही है, साथ ही साथ यहाँ पे हस्ताक्षर करने की बात कही गई है। तो एक तरह से कह लें कि पूरा जो है ये आपका पुराना जो आंकड़ा है वो जो है इसमें साफ तौर पे दिखने लगेगा कि आपका रिक्वेस्ट क्या है, आप कौन से हैं, नाम आपका आ जाएगा, हस्बैंड नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, अमाउंट क्या था, बैंक का नाम क्या है, वो सब जो है यहाँ पे आपको फिल करना है।
और उसके बाद जो है क्लेम का वो क्या है, क्लेम एक तरह से कहने की क्लेम का नंबर क्या होगा, सोसाइटी कौन से है, स्कीम में आप कौन से स्कीम के तहत से, मेंबरशिप नंबर कौन सा है, अमाउंट नंबर क्या है, रिसिप्ट नंबर, ये तमाम चीज़ें जो है आप इसको देख लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ लास्ट में यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा। तो ये एक पूरा फॉर्म होगा जो कि आपके पास एक आपके आधार के रूप में होगा आपके पास कि हमने जो है कंप्लेन किया है, हमने एक क्लेम जो है वो किया है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो अपलोड दस्तावेज, यहाँ पे आपको जो है बताना होगा कि हमने कौन सी सोसाइटी में कितना पैसा जमा किया है, उसका एक आधार होना चाहिए, एक बेस होना चाहिए, ताकि जो कंपनियां आपको पैसे रिफंड करेगी वो ये समझेगी कि हम सही आदमी के पास अपना पैसा दे रहे हैं। तो ऐसे में ये साफ तौर पर लिखा है कि अपलोड दस्तावेज स्क्रीन पर, दावा प्रपत्र और पैन कार्ड की प्रति अपलोड करें। यदि दावा राशि 50,000 रुपया या उससे अधिक है तो पैन कार्ड अनिवार्य रूप से आपको देना है। टिप्पणी की गई है कि फोटोग्राफ और पैन कार्ड के साथ हस्ताक्षरित दावा अनुरोध फॉर्म की आकार सीमा 2 MB और 50 KB होनी चाहिए। यानी कि ये जो दावा प्रपत्र का जो जिक्र किया जा रहा है, इसको जो अपलोड करने की बात कही जा रही है, इसके बारे में कहा गया है कि इसकी जो साइज, इसका जो साइज होगा वो 2 MB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। अब ये जो है इसमें क्या क्या दावा किया जा रहा है कि दावा प्रपत्र जो कि हमने पिछले स्लाइड में भरा था, दावा प्रपत्र उसको जो है यहाँ पे भरना है, आप यहाँ पे रिव्यू करके देख सकते हैं। पैन नंबर आपको दर्ज करना है, क्योंकि अगर 50,000 से ज़्यादा की राशि आपको प्राप्त करनी है तो 50,000 रुपये तब जो है आपको पैन कार्ड देना है। पैन कार्ड का कॉपी जो है आपको अपलोड करना होगा, वो JPG फाइल हमने आपको पहले भी कहा कि JPG फाइल में आपको अपलोड करना है। दस्तावेज जो है वो अपलोड कर रहे, तो यहाँ पे जो है दस्तावेज अपलोड करने पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो है ये प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हुआ है या फिर नहीं, वो देख रहा है या नहीं। उसके बाद फिर हम अगला पे क्लिक करेंगे और आगे की प्रक्रिया में हम बढ़ जाएंगे। ये जब पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा तब जो है एक तरह से कह लें कि आपका पूरा, एक तरह से कह लें कि जो पैसे जो है सहारा जिस कंपनी में लगाए हैं वो पूरा प्रक्रिया दिख जाएगा। और यहाँ पे ये आखिरी का स्लाइड है जिसमें कि आपको ये दिखाया जाएगा, जिसमें हम आपके दावों के प्रति स्वीकार करते हैं और ये दावा अनुरोध संख्या जो है आपको यहाँ पे क्लेम डेट के साथ है, क्लेम डेट आपने कब क्लेम किया, उसके बाद क्लेम का संख्या क्या था वो दे दिया जाएगा। और भविष्य में जो है इसकी जरूरत पड़ सकती है, जब आप पैसे की निकासी की बात होगी तब जो है यहाँ पे आपको ये पूरा प्रक्रिया जो है वो समझाया जाएगा, वो बताया जाएगा कि हम ये हमारा क्लेम संख्या है और इसके आधार पर जो है हमें पैसे मिलने चाहिए। और उसमें जो है अपने जितने दस्तावेजों को अपलोड किया है, बताया है, उन सब से जो है वहाँ मैच करवाया जाएगा। उसके बाद आपकी राशि जो है आपको मुहैया की जाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर सहारा से जुड़ी हुई और भी कोई जानकारी है उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।